ऋषभ भाई पहले हमारे स्टंप माइक्स में बकचोदी करते थे, अब बैटिंग के टाइम करने लगे। उनकी इन्हीं हरकतों के कारण हर्षित राणा ने इजी सा कैच ड्रॉप कर दिया। वैसे तो एक चीज और थी जो कल हर्षित राणा ने ड्रॉप कर दी, अपनी फ्लाइंग किस। लास्ट टाइम जब किया था तो 60% मैच फीस का फाइन लग गया था। माँ कसम, मोबाइल का EMI नहीं भरना होता ना, ऐसी खींच के पप्पी लेता, अभिषेक पोरेल को गीला पोरेल कर देता। हर्षित भाई समझ गए, हीरो गिरदी मुआ मुआ करने में नहीं, मैच फीस बचाने में है। दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसके ऊपर उसके लिए किस किया जाए। और पोरेल को भी जब रियलाइज हुआ कि मैंने विकेट हर्षित राणा को दे दिया, वो समझ गया ये आदमी तो शर्म लिहाज से परे है, तुरंत अपनी इज्जत बचाने वास्ते पवेलियन भागो। बेचारे रिंकू भाई ने जब से कोहली भाई से बैट मांगा है उनका तो आतंक ही खत्म हो गया रे। कल तो वन डाउन भी आए थे पर केवल 11 रन बना पाए, वो भी केवल 100 के स्ट्राइक रेट से। बार बार हमसे बैट मांगने आ रहा था, हमने इसको केदार जाधव का बैट टिका दिया, अब बना रन। चीकू भाई ऐसी मस्ती मत किया करो यार, बेचारा भोला आदमी है। मतलब नया बैटरी लगा दो, किधर लगता है, है? लगाओ। अरे भैया इसमें बैटरी नहीं पड़ती तो काम काहे नहीं कर रहा है। पर जिसका बैट चला वो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था, कुल्लू भाई हमारे। कुल्लू भाई ने दिल्ली की टीम से सबसे हाईएस्ट रन बनाए। जडेजा हार्दिक हू ब्रो, कुलदीप सुनील यादव इज द रियल ऑलराउंडर। अब रिक्की पॉन्टिंग फिर से पृथ्वी शॉ को बेंच पर ना बिठा दे और कुलदीप यादव से ओपनिंग करा दे मैगर के साथ, क्योंकि ऐसे में तो यार मैगर की क्या ही इज्जत रह जाएगी, उनसे तेज कुलदीप भाई खेलेंगे, क्या मुंह दिखाएगा ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना। अरे क्या तुम लोग मैसेज कर रहे हो यार कि कुलदीप भाई तुम्हारी जगह ले लेगा हार्दिक भाई, कहां शिवम दुबे से कंपटीशन चल रहा था, तुम कुलदीप यादव पे ले आए यार। कल को तुम बोलोगे सिराज ऑलराउंडर बन गया, आवेश खान बन गया। तुम लोगों ने कल क्या ही प्रिडिक्शन किए थे भाई, एक नहीं बल्कि 2-3 लोगों ने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा था कि कुलदीप यादव के हाईएस्ट स्कोर पर हमने प्रिडिक्ट किया भैया, और 100 times रिटर्न मिला। भाई ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, स्टेक को स्पोर्ट्स की बेस्ट वेबसाइट, इतने अलग अलग प्रिडिक्शंस कर सकते हो तुम यहाँ पे, इतने अलग अलग कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं। ओरिजिनल स्टेक लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया हुआ है, जाके प्रिडिक्ट करो मैन ऑफ द मैच पर, हाईएस्ट स्कोरर पर और भी बहुत सारी चीजों पर, एंड विन करो यार IPL के मजे लो। प्रमोशन ऑफ वेबसाइट इन आवर वीडियोस इज स्पेसिफिकली टारगेटेड टुवर्ड कंट्रीज वेयर इट इज लीगल, विजिटर मस्ट बी 18 प्लस ऑफ एज टू प्रोसीड। भाई तुमको नहीं लगता ये मिचेल स्टार्क अब ओवर एक्टिंग करने लगा है? नहीं, पहले तो बैट्समैन से मार खा रहा था, अब कुलदीप यादव से छक्के खा रहा है, और जहां बाकी बॉलर्स की इकोनॉमी 6-7 की है, इसकी जस्ट डबल 14 की इकोनॉमी। इतनी तो बेकार बॉलिंग भी नहीं करता गौती भाई, ये आपका जबरदस्ती ब्लड प्रेशर बढ़ाने के चक्कर में ये आदमी, मैं बता रहा हूँ। फ्रेंकी भाई ने ऑलमोस्ट फॉलो ऑन बचाई लिया था KKR के लिए। अंकल रेस लगाएगा क्या? रेस? You wanna race me? Yeah. Okay, let's go. नाइस विनिंग वेंकी भाई, प्लीज डोंट डू इट अगेन। एक नीतीश राणा साहब है, इन्होंने IPL सीजन स्टार्ट होने से पहले बोला था 600 रन बनाऊंगा मैं, अब गौती भाई के पीछे मुंह छिपा के बैठे हुए हैं। राणा भाई ये चीज आपने हमको तो बता दी कि मैं इस सीजन 600 रन बनाने वाला हूँ, पर अपनी टीम को बताना भूल गए थे क्या? क्या यार असी तो चलते हैं मीम्स में मामा रिव्यू की तरफ। और घूम विराट के पीछे, अरे सॉरी गौतम भाई, मैं बता रहा हूँ रिंकू भाई गलत बैट पकड़ा दिया विराट भाई ने आपको, इट्स अ प्रैंक रिंकू भाई। तो जस्ट ट्रांसफर्ड हिमसेल्फ टू सुनील नारायण DC वर्जन। भाई हम लोग सोच रहे थे कि रोहित भाई के साथ ओपनिंग कौन करेगा T20 वर्ल्ड कप में, फाइनली हमें वो आदमी मिल चुका है। बैटिंग ऐसी करो पावर प्ले में ही मैच खत्म कर दो, ये लोग भाई फर्स्ट ओवर से ही मारना चालू कर देते 17-17, 20-20 रन। टेक्निक ही गलत है तुम्हारी, बैट में स्प्रिंग तो है ही नहीं। रघुवंशी जी सही जगह गए हो एकदम, पहचानोगे भी कैसे, आपका कुलदीप अब ऑलराउंडर जो बन गया है, जड्डू को रिप्लेस करेगा थारा भाई, बॉर्न टू फोर्स टू। मैं बोला ना भाई जब EMI भरना होना तो ये चीजें हो ही जाती है। राणा भाई को भी लगा यार क्यों पप्पी वेस्ट करे आदमियों पे जब साला फीस भी कट जाती है। सूर्य कुमार यादव, कुलदीप को स्ट्राइक दूंगा, सही बात है सूर्या भाई, नाइस डिसीजन सिंगल लेके कुलदीप भाई को स्ट्राइक दे देने का। मेन स्ट्राइकर सुनील नरेन फिल्स और KKR दिल्ली कैपिटल्स, थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम हो गई दिल्ली के हिसाब से KKR, पर आज तो मैच जीत गए, आदत हो गई अब तो। मैं बता रहा हूँ ना गौती भाई ऐसे चलते चलते टपली मार देते होंगे स्टार्ट को, साले 25 करोड़ के आदमी। फियर ऑफ 60% फाइन इज रियल ब्रो, बहुत फियर्स लग रहा है। और मेरे को लग रहा है पोरेल भी रेडी था कि ये साला गंदी गंदी हरकतें करता, अपन तो पीछे मुड़ के फटाफट पवेलियन चले जाओ। आई लुक फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल, मीनवाइल माय फेस। गौती भाई थोड़ा तो हंस दिया करो थोड़ा तो, और पीछे देखो 600 रन मारने वाले भाई साहब भी बैठे। बेस्ट ऑफ लक कोलकाता नाइट राइडर्स, यार ये हमारे रिंकू सिंह का ना फोकस बिगाड़ रही है कन्याएं,
ये देखो हमेशा पीछे पड़ी रहती है रिंकू सिंह के, बेचारे का भाई फॉर्म बिगाड़ दिया यार। ऋषभ पंत बैक टू हिम, पकड़ मेरे को पकड़। एक ऋषभ भाई आधे समय तो आधे शॉट बैट के मारते हैं और आधे समय बैट ही उड़ता रहता उनका यहाँ वहाँ। एक यार डगआउट लुक्स लाइक द ग्रूम साइड हु इज डिसअपॉइंटेड दैट द बॉय इज गेटिंग एन इनोवा इंस्टेड ऑफ अ फॉर्च्यूनर इन अ डाउरी। भाई इतने मैच अगर विराट भाई जीत जाते हैं ना, 5-6 ग्राउंड नाप देते वो घूम घूम के, ये होती है खुशी। थोड़ा तो खुश रहा करो यार केकेआर वालों। मंडे को मेरा भी काम नहीं करता इसलिए आज कोई ट्विस्ट वाली स्क्रिप्ट नहीं लिखी। कोई बात नहीं जयजा ब्रो, आप भी रेस्ट डिजर्व करते हो यार, थोड़ा थोड़ा इतनी मेहनत करते हो तो। मिचेल स्टार्क टू इंडियंस, भाई मैंने अकेले तुम्हें वर्ल्ड कप नहीं हराया था, 10 लोग और थे, 11 का बदला मुझे अकेले से लोगे क्या? यू कैन रिप्लेस द मैन बट नॉट हिज आइडिया, विलियम्स कमिंग इन प्लेस ऑफ नॉर्किया, एकदम सेम इच बॉलिंग कर डाली ब्रो। खैर यार आज की वीडियो भी लेते हैं, बाकी इसका भाई मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और इस भाई को मत पूछना यार।